तो 9/11 वाली घटना हुई थी अमेरिका में ट्रेड सेंटर पे, जो अमेरिका में करा था ना इसने लादिन ने कांड ट्रेड सेंटर का। तो कहते हैं कि ट्रेड सेंटर पे, बेसिकली ट्रेड सेंटर का मतलब ही, ट्रेड का मतलब आप जानते हैं व्यापार होता है, तो बिजनेस टाइकून्स थे वहाँ पे, बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेस एग्जिस्ट करते थे, उनके ऑफिस थे उसमें ट्रेड सेंटर में। तो जब हमला हुआ तो बेसिकली जिन फ्लोर्स पे वो प्लेन टकराया और उससे नीचे के भी जितने फ्लोर्स पे वो प्लेन टकराया हवाई जहाज, लगभग लगभग सभी आदमी उसमें खत्म हो गए थे। तो कुछ साल के बाद उनकी मीटिंग हुई उन कंपनी वालों की दोबारा, कि कौन कौन ऐसा एम्प्लॉई था जो उस दिन ड्यूटी पे नहीं आया और जो बच गया, क्योंकि वो दोबारा ज्वाइन तो उन्होंने कर ही लिया कुछ टाइम के बाद। तो आए कि भाई ये इतने आदमी ऐसे थे, सारे बैठ गए सामने कि भाई ये वो व्यक्ति थे जो उस दिन ड्यूटी पर नहीं आ पाए, ऑफिस में नहीं आ पाए, और नहीं आ पाए इस वजह से इनकी जान बच गई। एक एक से पूछा कि भाई आपकी जान कैसे बची, मतलब आप क्यों नहीं आए ऑफिस। उसने कहा कि मैंने उसी दिन नए जूते खरीदे थे, और नए जूते पहन के मैं ऑफिस आने लगा। जैसे ही घर से थोड़ा सा चला तो नए जूते होने की वजह से उन्होंने मेरी पैर के पिछले हिस्से को काटना स्टार्ट कर दिया, और काटना स्टार्ट कर दिया तो मुझे पेन होने लगा, तो मैं केमिस्ट की दुकान पे चला गया, और मतलब जो भी वहां की भाषा होगी, तो केमिस्ट की दुकान पे चला गया। वहां से मैंने एक बैंडेड खरीदी, वो बैंडेड वहां चिपकाई, तब तक मेरी वो जो वहां ट्रॉम या मेट्रो जो थी वो वाली मेट्रो मिस हो गई, और उसके बाद वाली मेट्रो में फिर मैं चढ़ा, और तब तक कांड हो चुका। एक से पूछा जी आपके साथ क्या हुआ, एक ने कहा जी मैं ट्रैफिक में स्टक हो गया था, ट्रैफिक में फंस गया था। आपके साथ क्या हुआ, मेरे साथ ये हुआ जी कि सुबह सुबह जो खाना डिलीवर करने आते हैं, दूध देने आते हैं, वो आया ही नहीं आज खाना देने, और जब वो खाना देने नहीं आया तो मेरे को बड़ा गुस्सा आया, फिर मैं मार्केट गया, खाना लेके आया, फिर तैयार हुआ, फिर ड्यूटी आया। ऐसे करीबन वो 150-200 लोग थे, और उन 150-200 लोगों की कहानियां सुनी सबकी, कि भाई कौन कौन किस वजह से नहीं आ पाया ड्यूटी। किसी ने कहा कि आज मेरे बच्चे का पहला दिन था स्कूल में, तो मैं उस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहता था, और मैं अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने चला गया, इस वजह मैं ऑफिस नहीं आया या लेट पहुंचा, और तब तक ये वाली कहानी हो गई। तो मेरे प्यारे बच्चों, कहने का मतलब ये है कि आप जिस भी सिचुएशन में हैं, आप सबसे बेहतरीन सिचुएशन में, आप अच्छा करने का प्रयास करिए, लेकिन उस अच्छा करने के पीछे फ्रस्ट्रेट मत होइए, उस अच्छा करने के पीछे डिप्रेस मत होइए। आप जहां हैं, जिस जगह हैं, वो सबसे राइट टाइम राइट मोमेंट है। पता नहीं कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये मौका नहीं मिल पा रहा जिस जगह आप हैं। कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने उस दिन नया जूता नहीं पहना, अगर पहन लिया होता और उनको भी जूते ने स्ट्रक किया होता तो मेडिकल शॉप पे जाते हो, कुछ लेट हो जाते और जिंदगी बच जाती। पता नहीं कितने ही ऐसे लोग थे जो मर गए जिनके बच्चे का आज पहला दिन नहीं था स्कूल में। कितने ही ऐसे लोग थे जो आज ड्यूटी टाइम पे पहुंचे, लेट नहीं हुए, अगर वो ड्यूटी 5 मिनट लेट हो जाते तो उनका जीवन बच जाता। यानी मेरे प्यारे बच्चों, हर बार समय पे पहुंचने से भी बहुत कुछ नहीं होता, बहुत बार आप लेट पहुंच के भी जीवन बचा लेते हैं अपना। यानी जिस समय आप हैं वो आपका सबसे बेहतरीन टाइम है, इसलिए बी मोटिवेटेड, बी काम, ठंडे रहिए, शांत रहिए। जीवन में दिक्कतें सभी के साथ है, जीवन में दिक्कतें सभी के साथ है, कोई किसी भी स्टेज का हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, हर आदमी को टेंशन, किसी ना किसी चिंता में कोई डूबा हुआ। इसलिए आप ऐसा मत सोचिए कि जीवन में जो ये मुश्किल घड़ी है सिर्फ आपके साथ ही नहीं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्टूडेंट जो कामयाबी की राह पनप पा पाया होगा उसने ऐसा रास्ता नहीं चुना होगा, या इस रास्ते से नहीं गया होगा, या उसको जीवन में मुश्किलात आई नहीं होंगी। यार बहुत आई है, हमें भी आई है, हमसे पहले वालों को भी आई थी, आपको भी आ रही, हमारे बाद वालों को भी आएगी। यानी ये तो एक संघर्ष है, ये तो एक रास्ता है ना, तो इस रास्ते का एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। आपका सिलेक्शन हो गया बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो बहुत ही अच्छी बात है। आपने देखा ना, जो समय पे पहुंच गए बहुत अच्छी बात थी, लेकिन जो समय पे नहीं पहुंचे वो बहुत ही बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि उनका जीवन बच गया।
तो जरूरी नहीं ना कि आपकी लाइफ की डेस्टिनी आपको आईएएस बनाने पे ही तुली हुई है। नहीं, क्या पता आपकी लाइफ की डेस्टिनी ने आपके लिए बहुत कुछ सोचा हुआ हो। हाय ना, तो बिल्कुल मत परेशान होइए, हमेशा संयम से काम करिए, जीवन में आपके साथ हमेशा अच्छा होगा। जो हो रहा है वो बहुत अच्छा है, आपको जरूर इस समय वो गलत महसूस हो रहा है, लेकिन ऊपर वाला आपको उस चीज की तैयारी करा रहा है धीरे धीरे। तो फ्लक्चुएशन में घबराइए मत, सभी के साथ आता है, आपके साथ भी आ रहा है। मेहनत करिए, आगे बढ़िए, अच्छा काम करने का प्रयास करिए, लेकिन उसके लिए अपने आप को इतना मत झोंकिए कि आप एक डिप्रेशन की स्टेज पकड़ लें या घबरा जाए। मस्त होके काम करिए। चलिए, बात है।